नमस्कार। आज अपन बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के ऊपर। उनकी सरकार के कार्यकाल के ऐसे पांच असंभव कार्य जो शायद कोई नहीं कर पाया, और वर्षों से ये काम पेंडिंग थे और ऐसे ऐसे काम थे जिनसे डिस्प्यूट हो सकता था, बड़े विवाद वाले मामले थे, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने यह कार्य कर दिखाया। 17 सितंबर 1950 को मोदी जी का जन्म हुआ। 3 बार रेगुलर गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, वहां अपना लोहा मनवाया इन्होंने, वहां गुजरात को ऐसे स्टेज पर पहुंचाया कि पूरे देश में उस वक्त गुजरात विकास के मामले में नंबर 1 था। उसके बाद 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी जी पीएम बने भारत के, सेकंड बार वापस डबल मेजोरिटी से 2019 में पीएम बने। उनका अभी 7 वर्ष का कार्यकाल हुआ है। 7 वर्ष के कार्यकाल में ऐसे 5 बड़े कार्य कौन से हैं, असंभव कार्य जो मोदी सरकार ने कर दिखाए। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से वो कार्य कर दिखाए। वो कार्य ऐसे कौन से हैं, आइए अपन देखते हैं। सबसे नंबर 1 और महत्वपूर्ण कार्य, जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा। 70 साल से जम्मू कश्मीर धारा 370 की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन जम्मू कश्मीर के ऊपर थे जो वहां उसकी आड़ में आतंकवादी छिपे रहते थे और वहां हमेशा नुकसान पहुंचाया जाता था, और दूसरे राज्य के आम आदमी भी वहां जाकर जमीन जायदाद नहीं खरीद सकते थे। तो ऐसी जंजीरों से जकड़ी हुई धारा 370 से मोदी सरकार ने आजादी दी, और काफी टाइम से ये मांग भी चल रही थी देश के लोगों के द्वारा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई जाए, लेकिन बीते सालों में किसी भी सरकार ने ऐसी हिम्मत नहीं की जो मोदी सरकार ने की। 70 साल बाद 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने कश्मीर को धारा 370 से मुक्ति दी, और इसके अलावा एक कार्य और किया। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर में आता था, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया और केंद्र शासित राज्य घोषित किया। वहां के लद्दाख के लोगों के द्वारा भी ये मांग की जा रही थी कि हमें जम्मू कश्मीर के साथ न रखा जाए, क्योंकि वहां उनके साथ में वो जम्मू कश्मीर के साथ में रहते विकास में बाधा बन रही थी और वहां उतना विकास भी नहीं हो रहा था। तो उनके लोगों की जनभावना को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने लद्दाख को केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया। सेकंड, अयोध्या विवाद का अंत। भारत का सबसे बड़ा डिस्प्यूट मामला राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खतरा बन रहा था। हर जगह लोगों के ये जुबान में था कि अब अयोध्या विवाद का क्या होगा, लेकिन मोदी सरकार की दृढ़ इच्छा देखिए। जब सरकार दोबारा मेजोरिटी में आई ना, तो सुप्रीम कोर्ट 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में तेजी से सुनवाई शुरू हुई मोदी सरकार के कहने पर, और सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। देखिए आप, 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऐतिहासिक फैसला आया कि बराबर डिवाइड में सबको संतुष्ट कर दिया और कह दिया कि राम मंदिर ये जगह राम मंदिर के लिए है और राम मंदिर बनेगा। यह फैसला आया। फिर मोदी सरकार ने लोकसभा में एक बिल पास करके ट्रस्ट बनाकर काम प्रारंभ कर दिया। कहते हैं 2023 तक मंदिर भी पूरा हो जाएगा। थर्ड, 3 तलाक का खात्मा हुआ। मुस्लिम समाज में 3 तलाक एक ऐसी कुप्रथा थी जो वहां की महिलाएं काफी टाइम से इसको खत्म करने के लिए कह रही थी। महिलाएं काफी टाइम से अपने पति के अत्याचार से द्वारा जी रही थी। 3 तलाक ऐसी प्रथा थी कि 3 बार तलाक बोलने से भी तलाक हो जाता था, ना कोई उसकी कार्यवाही होती थी, ना कोई कानून होता था, और महिलाएं ऐसी परेशान हो रही थी। तब देखिए आप, जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक पर बैन लगाया, उसके बाद तुरंत मोदी सरकार ने लोकसभा में एक बिल पेश किया और तीन तलाक को अपराध घोषित कर दिया। और इसके साथ इसके तहत जो तीन तलाक कहता है और जो तीन तलाक देता है उसको 3 साल का सजा का भी प्रावधान किया। देखिए, फोर्थ, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक। इंदिरा गांधी सरकार के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ही ऐसी दृढ़ इच्छा और एक मजबूत सरकार थी कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान और यहां तक कि चीन को भी पता चल गया कि भारत में एक मजबूत सरकार है और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। और भारत ने यही बताया सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के दौरान। देखिए, जब उरी में आतंकी हमला हुआ, अपने बहुत सारे बेकसूर नौजवान मारे गए सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट के द्वारा। उसके बाद 26 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को तबाह किया, उनके लॉन्च पैड को तबाह किया। 26 सितंबर 2016 को पाकिस्तान को बता दिया कि तुम्हारी धरती पर घुसकर भी तुमको मार सकते हैं। देखिए, उसके बाद सेकंड बार वापस पाकिस्तान ने ऐसी नापाक हरकत की तो भारत ने 26 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक की बालकोट में। देखिए आप, फर्स्ट बार में सेना, थल सेना गई और दुश्मनों से लोहा ले गई। सेकंड बार एयर स्ट्राइक की और दुश्मनों के आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह किए। इसके साथ भारत ने चीन को भी सबक सिखाया। चीन के डोकलाम विवाद, गलवान घाटी और पेंगोंग झेल में भी चीन को मुंह के खानी पड़ी। वो चीन पहले 1962 वाला चीन था, लेकिन भारत 1962 वाला भारत नहीं था। पहले 1962 में भारत को मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन अब चीन को भी तुरंत जवाब दिया जा रहा है कि वो भारत पहले वाला भारत नहीं है। अगर आपने भारत की तरफ आंख उठाकर देखा तो भारत आपको छोड़ेगा नहीं। फिफ्थ, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान ऐसा था कि मोदी जी ने, यह बहुत ही बड़ा कार्य था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसको अपने हाथ में लिया और आम लोगों को इसको जोड़ा और स्वच्छता के प्रति लोगों के मन में भावना जागृत की। और आज हर जगह, गली मोहल्ले, छोटे छोटे गांव, हर जगह स्वच्छता की अलग जग रही है। मोदी सरकार ने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर, बड़े बड़े बॉलीवुड, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े खेल जगत से लोगों को इसमें जोड़ा और आम लोगों को इसको में ऊपर उनको भावना जगाई कि कैसे आप स्वच्छता के प्रति जागरूक रखें और ये भारत को एक स्वच्छ और सुंदर देश बनाए। आम लोगों को जोड़ा और हर गांव, शहर, चौराहे को स्वच्छ नजर आने लगे। तो ये 5 कार्य मोदी सरकार के जो ऐसे असंभव थे, जो हर कोई सरकार जो पिछले सालों से रही वो नहीं कर पाई, उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी थी, लेकिन मोदी सरकार ने ये कार्य कर दिए। ये असंभव कार्य थे, उनको कर दिए। इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।